वेलकम 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 कैसे हैं आप सब लोग आप आई होप कि बहुत अमेजिंग आपकी uh, तैयारी चल रही है एक सोच रहा हूँ एक सोच वीटी सर का लाडला माय गॉड हैं क्या बात है सही है आप लोग एक बार शेयर कर दो यार मैंने किसी ग्रुप में भी डाला नहीं मैं फटाफट से क्लास स्टार्ट किया पता नहीं लोगों को पता भी है नहीं है आप लोग सारे ग्रुप में एक बार शेयर कर दो ठीक है ना मैंने कहीं पर रुक जाओ मैं ग्रुप पर डाल ही देता हूँ आप लोग ये टेलीग्राम ग्रुप में हो नहीं हो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो तो आप अभी आ जाना यू शुड मस्ट जॉइन दिस टेलीग्राम ग्रुप वाई बिकॉज यहां पे मैं सारे अपडेट्स देता हूँ और आप ही के फ्रेंड्स जो कि क्लासेस अटेंड करते हैं वो नोट्स शेयर करते हैं जैसे मेरी क्लास खत्म होगी उसके विद इन फाइव मिनट्स आपको इस क्लास का नोट्स मिल जाएगा वो भी हैंड रिटन नोट्स वो भी बहुत साफ सुथरा क्लीन ठीक है यस yes, तो मैं एक बार ग्रुप में शेयर कर देता हूँ ठीक है चलो ग्रुप में शेयर कर देता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स नहीं मिल रहे हैं आपको क्या बात कर रहे हो यार मेरे को बोला करो बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स कैसे नहीं मिल रहे मैंने पूरा पूरा टेलीग्राम चैनल पे नोट्स डाल दिया है कंप्लीट मतलब आई की कंप्लीट नोट्स डाल दिए है सिमिलरली जीओसी का भी लेक्चर वन साइड डाल दिया टू नहीं डाला था आई होप सो मैंने देखा था नहीं देखा था तो मैं फिर से डलवा दूंगा टेंशन मत लो बहुत सारे बच्चों के पास नोट्स फ्रेश ठीक है ना फ्रेश नोट्स हैं ठीक है चलिए तो शेयर कर देते हैं बेटा यस आ जाओ बच्चे कहां गए थे एनसीआरटी हाईलाइट आ रही है बेटा आ रही है कल सुबह आएगी मैं सोच रहा हूं कल सुबह क्लास लेके आपका वो कर दो एनसीआरटी हाईलाइट ठीक है ना या चलो फिर आ जाओ प्रणाम सर आशीर्वाद दीजिए क्या बात कर रहा हो हमेशा है यार हमेशा है इसमें पूछने की बात है क्या आगे सब लोग आगे वादा किया तो निभाना पड़ेगा क्या बात है बिल्कुल हमने वादा किया है एनसीआरटी करने की तो बिल्कुल करेंगे पहले ये वाला आज लिक्विड सॉल्यूशन का कर लेते हैं Amazing और मजेदार टॉपिक है आप सब लोग इंजॉय करेंगे इसको और सब समझ आएगा इनफैक्ट न्यूमेरिकल सारे होने लगेंगे आपसे तो चलिए देखते हैं अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो हमारा प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और प्यारे दोस्त हम हमारे जैसे मतलब हम लोग भी हैं और हमारे जैसे एन नंबर ऑफ ग्रेट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं प्लस प्लेटफॉर्म पे तो यू कैन एंजॉय द अनइंटरप्टेड लर्निंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म आल्सो ठीक है न अफोर्ड can, यू मस्ट यू शुड टेक क्योंकि बहुत सारी बेनिफिट है वहां पे। और आप अगर बाहुबली कोड लगा देते हैं तो बेटा मैं स्ट्रॉन्ग हो जाता हूं और मुझे लगता है कि बच्चे मुझे में ट्रस्ट दिखाते हैं तो बिल्कुल सही है आप बाहुबली कोड लगाते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए ठीक है दोस्त अभी आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए ट्वेंटी वालों के लिए तो ये सब्सक्रिप्शन है लेकिन अगर आप क्लास इलेवेंथ वाले हैं ना मैं उनको ज्यादा टारगेट करना चाहता हूँ क्योंकि उनके पास बहुत टाइम है और उनके साथ अगर सही से मेहनत हो जाए तो आप क्रैक कर जाओगे नीट और जी ऑल्स ठीक है ना तो अगर आप इलेवेंथ या ट्वेल्थ वाले हैं तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है तो आप क्या कर सकते हो बेटा यू कैन गो फॉर दीज को आप इनके साथ जा सकते हो ट्वेल्व और ट्वेंटी फोर मंथ्स वालों के साथ आप यू नो इस प्लान के साथ जा सकते हो एंड दिस प्लान इज यू नो बेस्ट अभी आप इसको लोगे तो आपको खुद ही इंडिया के ग्रेट टीचर्स इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कोटा में लगभग सारे जितने अच्छे टीचर्स थे वो सारे यहां पर आ चुके हैं समझ रहे हो जितने भी आप किसी भी टीचर इंस्टीट्यूट का नाम लो वहां के सारे बेस्ट टीचर्स यहां पे हैं ठीक ठीक है है यस एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज विद स्टडी स्टडी ऐसा नहीं नहीं कि करना है से है? और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम हमें बेटा साथ में यहीं पे नेक्स्ट <laughs> आप चाहे तो आने का भी आइकोनिक सब्सक्रिप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं यहां पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल ट्रेनर पर्सनल कोच दिखाई देता है मिलता है हमारे जैसे कई लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे अगेन इफ यू द बाहुबली कोड अपलाइडली गेट

उसमें एक एक केस ज्यादा किया था वो आपको मैंने एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया था ठीक है यस yes. और उसके बाद मैं मैं हूं आपके नॉन 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 आइडियल 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 और और सॉल्यूशन सॉल्यूशन के ऊपर तो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूं सो गेट रेडी इससे पहले कि मैं इसको पढ़ाऊं मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं बेटा आइडियल गैस किसको कहते हैं हमने पढ़ा था गैस स्टेट में बेटा आइडियल गैस किसको पढ़ते पढ़ाते आप पढ़ते हो वहां भी आँ... फिजिक्स में जब के पढ़ाया जाता है वहां भी आपको बताया जाता है यहां भी आपको बताया जाता है फिर भी आप भूल जाते हो तो मैं बार बार बोलता हूं अगर ये भूलने की आदत है ना तो यहां पे जाओ टैटू के दुकान पे लिखवा लो बेटा द द ग्रेट ग्रेट ठीक है ना the great. ऐसा करके लिखवा लेना आइए यहां पे आते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर आइडियल सॉल्यूशन कौन होता है तो रिलेट करेंगे आइडियल गैस कौन होता है वो जो पीवीजी को फॉलो करे वो आइडियल गैस और वो जो पीवी टू को फॉलो ना करे वो नॉन आइडियल गैस अरे ना अरे बहुत सारे बच्चे हैं। अरे वाह लैग वाई इट इज लैगिंग मेरे तरफ तो कोई लैग नहीं हो रहा मेरे तर... अरे एक दो सेकेंड के लिए अगर लैग हुआ है तो फिर लैग ओह oh माय गॉड यहां से तो सब कुछ सही चल रहा है यार यहां से तो सब कुछ सही चल रहा है यार एक सेकेंड रुको। मैंने टीम को बोल तो दिया है देख लेते हैं नो no लैग अरे यार कोई तो डराते हैं कोई तो नहीं डराता पता नहीं क्या चाहते आप। हो आप इधर आओ मैं स्टार्ट किया था अभी जस्ट अभी स्टार्ट किया था कि बेटा आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने से पहले मैं आपको आइडियल गैस के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं वो जो पीवीजिकल टू एनआरटी को फॉलो कर रहा था वही तो आइडियल गैस था हावी और वो जो पीवीजिकल टू एनआरटी को फॉलो नहीं कर रहा है वो उसको चिक चिख के बोल सकते हैं भाई साहब वो आइडियल गैस नहीं है वो नॉन आइडियल गैस है वो कोई रियल गैस के कैटेगरी में पड़ता है चलिए अब आते हैं आइडियल गैस के ऊपर अब आते हैं बेटा आइडियल गैस के ऊपर हमने पढ़ लिया अब आते हैं आइडियल सोल्यूशन कौन है जो राउंड लॉ को फॉलो करे लिक्विड सोल्यूशन में हमने कौन सा लॉ पढ़ा है लिक्विड सोल्यूशन में राउंड लॉ पढ़ा है कि दो चीजों से बन रहा है क्या इस सोल्यूशन में दो चीजें हैं क्या प्यारे दोस्त ए और बी हाँ बेटा तो मेरे दोस्तों सुनिएगा थोड़ा अरे क्या हो रहा है तो मेरे दोस्तों सुनिएगा थोड़ा यहां पर गौर से अगर मेरे पास यहां पे दो आ, दो चीजों से मिलके ये बना हुआ है ए और बी तो राउंड स्लो से इस सॉल्यूशन का प्रेशर निकाल सकते हो राउल्ड स्लो क्या कहता है राउल्ड स्लो कहता है कि इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ ए एंड बिकॉज ऑफ ई सॉरी बी सो दैट विल बी बिकॉज ऑफ ए और ए का प्रेशर होता है पी नॉट एक्स ए और राउंड स्लो कहता है कि बी का प्रेशर होगा पी नॉट बी एक्स बी प्लस पीनोटी टू प्रेश सोल्यूशन प्रेशर ऑफ करके आपको भी पता है कि मैं वेपर का प्रेशर मेजर करता हूं कैसे using the manometer. आपको भी पता है मैंने पहले बता रखा है कि यूजिंग द मैनोमीटर मैनोमीटर की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं इस वेपर का प्रेशर मेजर कर सकता हूं इस वेपर के अंदर जो प्रेशर है वो मेजर कर सकता हूं बहुत अच्छा सुनिएगा मैनोमीटर के अंदर वेपर का प्रेशर में मेजर कर सकता हूं ना ठीक है मान लीजिए जो मेरा से प्रेशर आया और जो मेरा मेजर्ड प्रेशर आया वो दोनों सेम निकले तो फिर वो आइडियल गैस होगा आइडियल सॉल्यूशन होगा और मान लीजिए जो मेरा राउंड स्लो so से प्रेशर आ रहा है और जो मेरा मैनोमीटर का प्रेशर आ रहा है वो दोनों अलग आ रहे हैं तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है देखिए दो चीजों की मैं बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो जो मेरा प्रेशर ऑब्जर्व है प्रेशर ऑब्जर्व कैसे निकाल रहे हो मैनोमीटर वाला प्रेशर ऑब्जर्व है और प्रेशर आप आप कैलकुलेट कैसे कर रहे हो प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो राउंड लॉ से अगर राउंड लॉ वाला कैलकुलेटेड प्रेशर अगर मैनोमीटर वाले प्रेशर के बराबर आ जाए तो मेरी प्यारी दोस्ती तो आइडियल सॉल्यूशन है अरे समझ में आ गई तो बोलिए हा ओके वही चीज को रिपीटेड यहां पे लिखा गया है वही चीज को रिपीटेड लिखा गया कि आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जिसका ऑब्जर्व प्रेशर

अगर पी पी एक से के बराबर हो गया पी के बराबर हो गया, तो फिर आपका है। है। है अगर इनके के बराबर नहीं हुआ, तो वो ठीक है। है ना बेटा? कह रहे कितना लेक्चर और होगा तो बेटा टू लेक्चर्स मोर ये छोड़ के दो लेक्चर और एक में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी और फिर हेनरी लॉ होगा और फिर खत्म हो जाएगा ये चलिए नेक्स्ट कल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी नेक्स्ट अब आते दोस्त अब आते प्यारे दोस्त यहां पे मैं आपको बताता हूं कि अगर, अगर, मेरे अगर मेरे पास पी ऑब्जर्व अगर मेरे पास पी ऑब्जर्व यह राउल्ड वाला प्रेशर ही तो है अगर मैनोमीटर वाला प्रेशर राउल्ट लॉ के प्रेशर के बराबर हो जाए अगर मैनोमीटर का प्रेशर राउल्ट लॉ के प्रेशर के बराबर हो जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आइडियल सॉल्यूशन बोलता हूं अगर मेरा मैनोमीटर का प्रेशर राउल्ट लॉ के प्रेशर के बराबर ना आए तो मैं उसको क्या बोल देता हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन अब देखना अगर प्रेशर बराबर हो गया तो तो वो आइडियल सॉल्यूशन हो गया अब प्रेशर बराबर ना हुए तो उसका दो केस हो सकता है हो सकता है प्रेशर उससे ज्यादा हो या भाई हो सकता है कि प्रेशर उससे कम हो अगर बराबर हो गया तो 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 आइडियल सॉल्यूशन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है अगर बराबर नहीं हुआ तो हो सकता है वो छोटा होगा और हो सकता है वो उसकी वैल्यू से ज्यादा होगा अगर मान लीजिए मेरे पास मैनोमीटर वाले प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है अगर मेरे पास पी ऑब्जर्व की वैल्यू ज्यादा है राउंड स्लो वाले से ज्यादा है पी ऑब्जर्व की वैल्यू इसका मतलब वो पॉजिटिव पॉजिटिव डेविएशन शो करता है है इसका मतलब ये को बोला जाता है, करेगा। और उल्टा कर दो अगर मैनोमीटर वाला प्रेशर स्लो के प्रेशर से कम हो जाएगा तो नमूनो आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन दैट नेगेटिव डेविएशन शो करेगा अरे ना बोलना पड़ेगा अरे ना बोलना पड़ेगा बेटा चलिए

अगर मैनोमीटर का प्रेशर किसके बराबर आ जाए राउल्ड स्लो के प्रेशर के बराबर आ जाए अगर मैनोमीटर का प्रेशर राउल स्लो के प्रेशर के बराबर आ जाए तो मेरे प्यारे दोस्त मैनोमीटर का प्रेशर अगर आपके पास राउल स्लो के प्रेशर के बराबर आ जाए तो उसको आइडियल सोल्यूशन कहते हैं और अगर मैनोमीटर का प्रेशर मैनोमीटर का प्रेशर राउल स्लो के प्रेशर के बराबर ना आए तो उसको मैं नॉन आइडियल सोल्यूशन कहता हूं मैनोमीटर का प्रेशर को क्या बोलते हैं पी ऑब्जर्व बोलते हैं क्या मैनोमीटर के प्रेशर को पी ऑब्जर्व बोलते हैं क्या और राउल स्लो का प्रेशर कैसे निकलता है पीनोट वैक्सी बेटा राउल स्लो का प्रेशर कैसे निकलता है बुक इसमें तो. तो. यही लिखा गया है जो मैं अभी समझा के आपको आया यही चीज लिखा अगर मैनोमीटर का प्रेशर राउल स्लो के प्रेशर के बराबर आ जा रहा है तो ये आइडियल सोल्यूशन है और नॉन आइडियल के लिए इट इज नॉट इक्वल टू

अगर ज्यादा हुआ पॉजिटिव डेविएशन अगर कम हुआ नेगेटिव डेविएशन इसमें सोचना है क्या अगर ज्यादा हुआ बेटा तो पॉजिटिव डेविएशन अगर मेरे पास कम हुआ तो नेगेटिव अरे बात समझ में आई क्या यस कैन से कि पी थेटिकल इज पी ऑब्जर्व बिल्कुल सही है जो थ्योरेटिकली हम कैलकुलेट करें राउट लॉ से ऑब्जर्व वो ऑब्जर्व के बराबर ना आए तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर हमारा जो प्रैक्टिकल है ऑब्जर्व है वो ज्यादा हो जाए तो पॉजिटिव कम हो जाए तो नेगेटिव चलो नेक्स्ट ये हमारा मकसद नहीं था ये तो हमने पढ़े रखा था मकसद जो मैं आप बताने वाला हूं उसमें है मकसद होगा बेटा स्टडी टाइम बस रिज्यूम करेंगे उसको कल से चलिए यहां पर आते हैं आइडियल सोल्यूशन के लिए अब जो मकसद है वो वो बता रहा हूं मैं आपको आइडियल सोल्यूशन का सिंपल मतलब हुआ कि मेरे पास एक ये देखो बीकर है स्पीकर में कोई मिक्सचर है मिक्सचर किसका हम लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे होगा ए और बी दोनों है, है मान लेते चलिए अब सुनिएगा सर ये दोनों लिक्विड जो है वो वोलाटाइल लिक्विड्स होते हैं मैं लिक्विड सॉल्यूशन में वोलाटाई लिक्विड्स की ही बात करता हूं और वोलाटाइल लिक्विड का वेपर बनना तय है लिक्विड का वेपर बनना तय है अच्छा 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 इस वेपर को मैं कंडेंस भी कर सकता हूं क्या चलिए इस वेपर का मान लो मुझे प्रेशर मेजर करना है तो आप कैसे करोगे इस वेपर का प्रेशर मेजर करना है तो कैसे करोगे ऑब्वियसली सर यहां से मैं क्या करूंगा एक फटाक से मैनोमीटर लगा दूंगा यू ट्यूब बताया था मेनुमीटर यू ट्यूब ट्यूब का मतलब यू शेप्ड ट्यूब चलो और यहां पर जो प्रेशर मेजर होता है यहां पे आपको मरकरी रख देते हैं और मरकरी के उसमें हाइट में डिफरेंस आ जाता है और मरकरी के जो हाइट में डिफरेंस हा आया उसी से हम प्रेशर मेजर कर लेते हैं ये बता रखा है डिटेल में बता रखा है ठीक है अब सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं ये जो आइडियल सोल्यूशन है ये जो हमारे पास आइडियल सोल्यूशन है प्यारे ये जो मेरे पास आइडियल सोल्यूशन है सुनो यार इसमें आइडियल सोल्यूशन क्या कहता है आइडियल सोल्यूशन क्या कहता है

सर आइडियल सॉल्यूशन में जो प्रेशर आ रहा है वो टोटली totally ए और बी पे डिपेंडेंट है आइडियल प्रेशर, आइडियल सॉल्यूशन में जो प्रेशर आ रहा है दैट इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन ए एंड बी तो मैं ये बोल सकता हूं मैं ये बोल सकता हूं कि जो इसमें ए कॉम्पोनेंट होगा जो इसमें ए कॉम्पोनेंट होगा उसमें ए ए बॉन्ड होगा सब लोग बोलना जो इसमें ए कॉम्पोनेंट होगा उसमें ए ए बॉन्ड होगा येस बेटा जो इसमें बी कॉम्पोनेंट होगा उसमें बीबी बॉन्ड होगा ऑब्वियसली मान लो मैं एक लिक्विड लेता हूं वाटर और दूसरा लिक्विड लेता हूं इथेनॉल इथेनॉल जो आप क्लास में आने से पहले थोड़ा सा एक दो लगा के आते होंगे तो बेटा मैं वाटर की बात करता हूं और दूसरे लिक्विड इथेनॉल की बात कर लेता हूं अब वाटर की बॉन्डिंग कुछ और एच ओ एच बॉन्डिंग है और इथेनॉल की बॉन्डिंग कुछ और है आर ओ एच बॉन्डिंग है तो इसीलिए मैंने बोला कि जो दो दोनों लिक्विड होंगे उनकी बॉन्डिंग अलग अलग होगी ठीक है अब लेकिन जो वेपर बनेगा बेटा उसमें ए भी होगा और बी भी होगा क्या क्योंकि दोनों वोलाटाइल है तो वेपर में तो दोनों आएंगे इसका मतलब जो वेपर में बॉन्ड होगा वो ए और बी का बॉन्ड होगा तो मेरे प्यारे सुनना बेटा बात जब बी लिक्विड था तो ए बॉन्ड था जब हमारे पास दूसरा लिक्विड है तो बीबी लेकिन बीबी अच्छा बीबी बॉन्ड की मैं बात कर रहा था तो चलिए जो ए ए बॉन्ड है जो बीबी बॉन्ड है उनसे मिलकर वेपर बनेगा दैट मीनस ए बी बॉन्ड हाँ भाई चलिए जो आइडियल सोल्यूशन में जो ए बी बॉन्ड आएगा ये वेपर किसकी वजह से आ रहा है सर इस ए और इस बी की वजह से आ रहा है तो जो ए बी बॉन्ड आएगा वो इसके और इसके इक्वल आएगा सुनिएगा जो ए बी टाइप का बॉन्ड होगा वो ए ए टाइप या फिर बीबी टाइप के इक्वल आएगा ये मैं बताना चाह रहा हूं समझ ले बात को क्योंकि प्रेशर दोनों का इक्वल है प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन आइडियल सोल्यूशन ऑब्जर्व प्रेशर प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर यही तो आइडियल सोल्यूशन है अब सुनिएगा सर जो इसमें टाइप का बॉन्ड होगा और जो इसमें बीबी टाइप का बॉन्ड होगा ये जो ए बी टाइप का बॉन्ड बनेगा वो इनके इक्वल होगा क्योंकि ये प्रेशर बने इनकी वजह से रहा है चलिए तो यही बोला जाता इसमें, है इसमें इंपॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान रखिएगा जो इसमें वेपर का बॉन्ड होगा एबी टाइप वो ए ए टाइप या फिर बीबी टाइप के बराबर होगा दोनों सेम लेवल के होंगे क्योंकि जो वेपर बन रहा है ना वो इन्हीं की वजह से तो बन रहा है तो जैसा यहां बॉन्डिंग होगा वैसा वेपर में बॉन्डिंग होगा जैसा लिक्विड में बॉन्डिंग होगा जैसा बेटा यहां पे लिक्विड में बॉन्डिंग होगा वैसा ही वेपर में बॉन्डिंग होगा कहने का मतलब ये है क्रिस्प ये रख लीजिए जैसा लिक्विड में बॉन्डिंग होगा वैसा ही वेपर में बॉन्डिंग होगा जितना स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड होगा क्लियर कोई दिक्कत नहीं है यस अर्चिशा कल हो जाएगा वो चलिए अब आते हैं प्यारे दोस्त पॉजिटिव डेविएशन और हमारे पास नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन में जो प्रेशर है वो ज्यादा है पॉजिटिव डेविएशन में जो प्रेशर है वो ज्यादा है तो जो ए बी टाइप का बॉन्ड होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू ए ए और बी बी सुनिएगा कैसे बेटा प्रेशर जितना अभी अभी मैंने बनाया कि जो वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से आ रहा है ए और बी की वजह से आना चाहिए था से भी, भी। बट उससे भी ज़्यादा 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 आ आ गया। गया। सुनिएगा, ये ये में क्या हुआ? कि बेटा होता तो इसके बना इससे भी आ गया। अब फील करो, ये वेपर क्यों होगा क्योंकि जो लिक्विड का बॉन्ड है ना वो कमजोर है क्या बोला मैंने बेटा वेपर तो तभी बनेगा ना जब नीचे वाले बॉन्ड टूटेंगे तो वेपर में बना है तो यही तो लिखा गया है जो वेपर है एबी टाइप जो वेपर है एक सेकेंड यस पॉजिटिव डेविएशन के अंदर ये हो गया आपके पास कि ए बी टाइप जो है वो कम होंगे एज कंपेयर टू ए ए टाइप और बीबी टाइप -बी और नेगेटिव डेविएशन में एबी टाइप ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ए ए और बीबी -बी, एक सेकेंड मेरे को सोचने दो यस पॉजिटिव डेविएशन में जो है वो वेपर का प्रेशर ज्यादा होगा बिल्कुल सही है इसका मतलब ज्यादा बॉन्ड्स टूटे होंगे इसका मतलब बॉन्ड्स वीक होगा ठीक है ना इसका मतलब बॉन्ड्स वीक होगा सो दिस इज यहां पे उल्टा लिखा हुआ है उल्टा लिखा हुआ है प्लीज डू अ करेक्शन ठीक है ना प्लीज डू अ करेक्शन जिन्होंने पीपीटी बनाई है उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है तो मैं इसको आपको सही करा देता हूं क्लियर है यस चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर बेटा खत्म हो चुका है रश्मि देखो एक बार ठीक है यस कोई दिक्कत नहीं है यस अभी समझाता हूं अभी समझाता हूं बेटा मैं आपको बताता हूं ये मेरे पास क्या है लिक्विड है ये मेरे पास क्या है बेटा लिक्विड है अब लिक्विड में आपके पास दो कंपोनेंट है ए और बी मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव डेविएशन इसका सीधा मतलब है अच्छा ए और बी है तो जो वेपर प्रेशर आना चाहिए जो वेपर प्रेशर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए सर आइडियली पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होना चाहिए आइडियली ये के बराबर होना चाहिए बट जो वेपर प्रेशर होता है बेटा बट जो वेपर प्रेशर होता है इज ग्रेटर देन इसका मतलब यहां पे ज्यादा वेपर बना है इसका मतलब जो ये बॉन्ड है वो कमजोर है तभी तो ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन हो गया इसका मतलब जो ए टाइप बॉन्ड है बीबी टाइप बॉन्ड है वो कमजोर है प्यारे दोस्त इसीलिए मैंने लिखाया है कि जो ए और बीबी टाइप बॉन्ड है वो कमजोर है और ये देखना कम कम बना, बना पे पे वेपर कम बना होगा. Negative deviation का मतलब यहां पे जो वेपर है अगर अगर मैं यहीं पे negative deviation की बात कर दूं, अगर मैं यहीं यहीं पे पे की की बात बात कर कर तो जो क्योंकि तो और वेपर कम क्यों बनेगा क्योंकि वह स्ट्रॉन्ग होगा ए ए टाइप और एबी टाइप जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा क्लियर है ना यस yes. यस yes, अभिषेक वो भी करने वाले टेंशन मत लो ठीक है ना यस ए ए एंड बी बी इज ग्रेटर देन ए बी यस कोई दिक्कत नहीं है एक सेकंड रुको ए बी टाइप जो है पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है सुनोगे पॉजिटिव डेविएशन में हाँ हाँ बात कर रहे हैं रुक जाओ पॉजिटिव डेविएशन में ए बी टाइप जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए और बी बी बिल्कुल सही है आ, क्योंकि इसमें बॉन्ड ज्यादा बनते हैं क्योंकि इसमें वेपर ज्यादा बनेगा बिल्कुल सही है और वेपर ज्यादा बनेगा सॉरी आई मिस्टेक सॉरी इट्स माई मिस्टेक ऑब्वियसली ये थोड़ा सा पीपीटी वालों ने सही कर दिया है सुनिएगा इसको क्यों ऐसा हुआ सुनिए अरे भाई इसमें पी ऑब्जर्व ज्यादा है ना इसमें पी ऑब्जर्व ज्यादा है ना

देर फॉर इट इज शोन की ए बी टाइप जो है यहां पर यहां पर देखो ज्यादा है और यहां पर देखो कम है कोई दिक्कत नहीं है अभी सही है आपने ब्रेकअप करा दिया ऑपरेशन एमबीबीएस में किसी का नहीं कराया मैंने एमबीबीएस चलिए यहां पे आइए अब मैं आपको पॉजिटिव और आपको जो डेविएशन है ना मैं उसको एक बार वापस आपको एक्सप्लेन कर देता हूं डोंट वरी मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूं डोंट वरी नो नीड टू कहा गया भाई आजा चलो यहां देखो ये मेरे पास क्या है बीकर है सब लोग समझ गए यहां पे मेरे पास क्या है बेटा लिक्विड है। अब इस लिक्विड में क्या है सुनोगे इस लिक्विड में मेरे पास दो कंपोनेंट है एक है बेटा बेटा ए और एक है अच्छा इस लिक्विड की वजह से वेपर बनेगा तो जो वेपर बनेगा वो ए बी टाइप बनेगा क्योंकि उसमें होंगे बी के भी वेपर होंगे मैं कह रहा हूं पॉजिटिव डेविएशन कह रहा हूं पॉजिटिव डेविएशन भाई आइडियल तो क्लियर है ना कि आइडियल में ए बी टाइप इज इक्वल टू ए एन बी बी टाइप बट जो पॉजिटिव पॉजिटिव डेविएशन डेविएशन होगा उसमें ऑब्वियसली इसके वेपर ज्यादा होंगे का मतलब वेपर ज्यादा बनेंगे हां और वेपर ज्यादा बनने का मतलब ऑब्वियसली बेटा ए बी टाइप ज्यादा हो जाएंगे ए बी टाइप का जो बॉन्ड है वो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा तभी होगा जब मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर मेरे पास क्या बनेगा वेपर्स बनेंगे तो ए बी टाइप इज ग्रेटर देन यहां पे पॉजिटिव डेविएशन का मतलब एक सेकंड यस क्लियर है यस yes. अब यहां पे ए बी टाइप और मैं यहां पे कंपेयर कर रहा हूं ए ए टाइप एंड बी बी टाइप के बीच में ए ए टाइप एंड बी बी टाइप के बीच में मैं कंपेयर कर रहा हूं बिल्कुल सही है बस इतना ये समझना है कि बेटा यहां पे प्रेशर ज्यादा है पॉजिटिव डेविएशन का मतलब प्रेशर जो है प्रेशर ज्यादा है प्रेशर इज मोर और प्रेशर ज्यादा क्यों है क्योंकि बेटा यहां से ज्यादा से ज्यादा वेपर बना होगा और ज्यादा से ज्यादा वेपर तब बनेगा जब जो ये लिक्विड है जब जो जो ये लिक्विड है इसका जो है इसका बॉन्ड वो वीक होगा और तो 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 लिक्विड का बॉन्ड कौन है ए कंपेयर कर लेते हैं यहां पे देखिए ए बी टाइप जो है आ, सिंपल चलो ठीक है वही तो थे आप कोई दिक्कत नहीं है तो ए बी टाइप जो है इट इज लेस देन ए ए और बी बी और यहां पे आइए नेगेटिव डेविएशन में इट इज ग्रेटर आप इतना मत सोचो बेटा पी ऑब्जर्व ज्यादा है ना तो उसको उल्टा कर देना ये पी ऑब्जर्व कम है तो उसका उल्टा कर देना ठीक है कोई दिक्कत नहीं लैग हो रहा है कोई लैग नहीं हो रहा ठीक है यस yes. जब ज्यादा ए बी टाइप बनेगा तो ए बी का जो बॉन्ड्स है ना वो कमजोर होगा ज्यादा से ज्यादा बन रहा है पेपर ठीक है और जब कम बनेगा तो ए बी टाइप का बॉन्ड ज्यादा होगा चलिए नेक्स्ट अब आते हैं बहुत डिस्कशन हो गया उसके ऊपर छोड़िए उसको अब आते हैं थोड़े से और उसमें थोड़े से और थर्मोडाइनेमिक ऑफ द सोल्यूशन के ऊपर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं डेल्टा वी बेटा जब आइडियल सोल्यूशन होता है जब मेरे पास आइडियल सॉल्यूशन होता है तो आइडियल सॉल्यूशन में सिंपली अगर मैं बात बताऊं तो वॉल्यूम का नो no चेंज क्योंकि वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल क्योंकि प्रेशर तो सेम होना है क्योंकि प्रेशर इनिशियल इज इक्वल टू प्रेशर फाइनल मैनोमीटर का प्रेशर इज इक्वल टू राउंड का प्रेशर ठीक है तो बेटा आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा वी इनिशियल इज इक्वल टू वी फाइनल आइडियल सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होता आइडियली अपना बैठा रहता है एक जगह से नो प्रेशर चेंज प्रेशर भी आपने देख लिया बराबर होता है वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होगा वॉल्यूम भी बराबर होता है लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में बेटा प्रेशर ज्यादा हुआ प्रेशर ज्यादा हुआ तो कंटेनर को भी खींच सकता है ऊपर की तरफ फील करना है बस और कुछ नहीं ठीक है ना बेटा प्रेशर ज्यादा हुआ तो बेटा वॉल्यूम को भी वो इंक्रीज कराएगा फाइनल वॉल्यूम विल बी ग्रेटर ग्रेटर डेल्टा वी इज देन यहां पे आइए फाइनल वॉल्यूम विल बी लेस देअर फॉर डेल्टा वी लेस देन जीरो ठीक है यस yes. अब सुनिएगा अगर मैं डेल्टा एच की बात करूं डेल्टा एच की बात करूं सुनिएगा यहां पे आता है डेल्टा एच जीरो आइडियल में कुछ नहीं करना इट इज इक्वल टू पॉजिटिव डेविएशन में सुनिएगा बेटा पॉजिटिव डेविएशन में ज्यादा से ज्यादा प्रेशर हुआ है वेपर प्रेशर ज्यादा है पी पी ऑब्जर्व ऑब्जर्व ज्यादा ज्यादा है है इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ होगा और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ होगा इसका मतलब हमने उसमें एनर्जी दी होगी तब तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी दी होगी तब तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा एनर्जी दी है एंडोथर्मिक लेकिन यहां पे वेपर बनी नहीं रहा यहां पे वेपर प्रेशर बनी नहीं रहा तो बेटा यहां पे एंडोथर्मिक हो जाएगा क्योंकि हमें एनर्जी हमें अपने तरफ से यहां पे देखना नेगेटिव रेविएशन का मतलब एक्सोथर्मिक हो जाएगा आप तो सिंपल इससे रिलेट कर लो जैसा डेल्टा वी है वैसा ही डेल्टा एच है ठीक है चलिए उसके बाद आते हैं डेल्टा जी के ऊपर तो बेटा ये जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है

ये तो आप वैल्यू से देख, देख सकते हैं ठीक है यस डेल्टा वी और डेल्टा एच को आप कैसे दिमाग में रखेंगे तो बेटा डेल्टा वी और डेल्टा एच आइडियल के लिए तो जीरो इक्वल टू जीरो पॉजिटिव डेविएशन के लिए इट इज ग्रेटर देन जीरो क्योंकि पॉजिटिव है और नेगेटिव डेविएशन के लिए इट इज लेस देन जीरो क्योंकि बेटा यहां नेगेटिव है ठीक है डेल्टा जी हर तीनों प्रोसेस के लिए नेगेटिव होगा क्योंकि तीनों ही एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो आप देख सकते हो डेल्टा जी इज नेगेटिव अगर डेल्टा जी को नेगेटिव करना है तो डेल्टा जी डेल्टा एस को हमें को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। चलिए, वैसे भी डेल्टा एस पॉजिटिव क्यों ना हो हर बार से क्या बन रहा है? गैस एंड इफ वेर रैंडमनेस इंक्रीज होता है तो डेल्टा एस पॉजिटिव होता है <coughs> आइडियल सॉल्यूशन में आपको पता है कि ना ही वॉल्यूम चेंज हो रहा है ही पे प्रेशर कोई चेंज हो रहा है ना ही पर कोई डेल्टा एच चेंज हो रहा है इसका मतलब कोई भी अट्रैक्शन कोई भी रिपल्सन नहीं है इसका मतलब सेम टाइप के मोलिक्यूल के अंदर क्या लगेगा आइडियल सोल्यूशन होगा दैट मान लीजिए मैं यहां दे आर ओ एच ठीक है ना और यहां पर दे दू माइनस मतलब दूसरा भी आर ओ एच दे दू तो बेटा दो एल्कोहल मोलिक्यूल के बीच में क्या ही अट्रैक्शन क्या ही रिपल्सन होगा बहुत माइन्यूट लेवल पे जाके बात नहीं कर रहे हैं मोटे मोटे तौर के बात कर रहे हैं ठीक है ना मैं लड़का हूं एक और लड़का को खड़ा क्या अट्रैक्शन क्या ही रिपल्सन होगा ठीक है ठीक है ना तो अलग अलग नेचर के अंदर अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा अगर सेम नेचर के मॉलिक्यूल साथ में है तो उनमें रिपल्सन नहीं होगा नहीं अट्रैक्शन होने के चांसेस होते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन में बेटा आप देख सकते हो दिस इज मॉलिक्यूल आपका आइडियल सॉल्यूशन नंबर वन बेटा यहां पे क्या है दोनों सेम नेचर के मोलिक्यूल आपको दिख रहे हैं दैट आइडियल सोल्यूशन होगा ठीक है नेक्स्ट बेटा आप देख लो बेंजीन और टॉलविन

अलग अलग टाइप के डिफरेंट नेचर के मोलिक्यूल्स को रखना पड़ेगा ये अगर सेम नेचर वाले में है अगर मेरे पास सेम नेचर वाले में क्या मिल रहा है आइडियल सॉल्यूशन तो डिफरेंट नेचर वाले में क्या मिलेगा पॉजिटिव डेविएशन अब नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे तो वहां भी बताएंगे आप देख लो बेटा ये क्या है नॉन पोलर मोलिक्यूल है और यह पोलर मोलिक्यूल होता है सीएच सी एल थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा सीएससीएल थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा यहां पे नेगेटिव 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 यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव समझ लो ना पोलर मोलिक्यूल होता है सीएच सीएल थ्री सिमिलरली मेरे प्यारे दोस्त यहां पे वाटर है के अगर आपके पास पड़ तो positive deviation शो करेगा आप समझ सकते हैं जो AB type है वो लेस है एज कंपेयर टू ए ए बी नेक्स्ट नेगेटिव डेविएशन की बात कर लेते हैं नेगेटिव डेविएशन का मतलब प्रेशर कम हो रहा होगा प्रेशर कम कब होगा जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट ही ना हो और लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा इसका मतलब बेटा लिक्विड जो है है आपस में ही बॉन्ड बॉन्ड बना रहे इनकी है। तभी तो टूटे नहीं तभी तो वेपर में कन्वर्ट नहीं हुए बेटा यहां पे प्रेशर कम हो गया नेगेटिव रेविएशन कब हुआ होगा जब ये जो लिक्विड के मोलिक्यूल हैं ये आपस में ही क्या किए हैं जब ये जो लिक्विड के मोलिक्यूल हैं ये आपस में ही बॉन्ड बना लिए ये टूट ही नहीं रहे ये टूट नहीं रहे तो वेपर में जा ही नहीं रहा समझ रहे हो तो ये नेगेटिव वो सो करता है जब दोनों आपस बॉन्ड तो दो बना के और इनका लिक्विड का ही बॉन्ड इतना स्ट्रॉग हो गया कि हीट देने के बावजूद वे वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे और वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे तो वेपर बनेगा नहीं वेपर बनेगा नहीं तो वेपर प्रेशर नहीं निकलेगा वेपर प्रेशर नहीं निकलेगा नेक्स्ट

ठीक है ना क्योंकि यहां पे बेटा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है आपको दिख गया कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे पे नेगेटिव चार्ज चार्ज है यहां पॉजिटिव आराम से डोनेशन हो हो जाएगा और स्टेबल जाएंगे बॉन्ड बना लेंगे चलिए यहां पर मैंने आपको समझा दिया लिक्विड आइडियल सोल्यूशन पॉजिटिव रिवियशन और निगेटिव रिवियशन वाले की बात ठीक है यस जो भी कंफ्यूजन है एक बार लास्ट में पूछ लेना मैं बता दूंगा चलिए यहां पे आते हैं बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन हमने ये ग्राफ ऑलरेडी देख रखा है अगर मैं आपको एक बार में दिखा दूं तो सब कुछ उड़ जाएगा मैं बता रहा हूं फिर से <laughs> मैं आपको ऑलरेडी ये वाला ग्राफ करा चुका हूं बट स्टिल एक बार रिवाइज करा रहा हूं आपको सुनिएगा मैंने एक्सिस पे ले रखा है वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं और मैंने एक्सिस पे क्या लिख रहा हूं बेटा मोल फ्रैक्शन ले रहा हूं वाई एक्सिस पे मैं वेपर प्रेशर ले रहा हूं और एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन ले रहा हूं सुनिएगा अब देखिएगा बेटा यहां पे जो

तो क्या ये वाला ग्राफ बनेगा अगर मैं एक्स ए की वैल्यू वन कर दूं तो बेटा एक्स ए की वैल्यू वन कर दूं तो क्या प्रेशर इज वेपर प्रेशर एक्स ए की वैल्यू वन कर दूं तो प्रेशर इज वेपर प्रेशर ठीक है और एक्स ए की वैल्यू जीरो कर दो तो वेपर प्रेशर जीरो कर दो तो बेटा वेपर प्रेशर कम होते होते जीरो हो गया सिमिलरली मैं वेपर प्रेशर बी के लिए भी डिनोट कर सकता हूं अगर एक्स बी की वैल्यू वन कर दो एक्स बी की वैल्यू वन कर दो तो प्रेशर इज बी नॉट बी अगर एक्सबी की वैल्यू जीरो कर दो तो प्रेशर जीरो हो जाएगा तो बेटा एक्स बी यहां से यहां डॉट 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 मिलाया जा सकता है बहुत सही। हमने एक एक आइडियल बिहेवियर का और इक्वेशन बनाया था वन वाला करके एक्स एक ए के टर्म्स में जिससे कि हमारा जो ग्राफ आया था वो कुछ इस तरीके से इन दोनों को एड बना दिया था राइट यस ये हमारा बेटा क्या होता है ये हमारा आइडियल बिहेवियर

अगर पिनोटी बड़ा बोल दे तो आप वाला ग्राफ थोड़ा इस डायरेक्शन में झुक जाएगा बस कुछ नहीं करना पिनोट ए को बड़ा कर देना पिनोट बी को छोटा कर देना बाकी सब सेम है और ये क्या होगा टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी वाला आपको दिख रहा है हमने बता रखा है ये तो तब है जब आपका कोई आइडियल सोल्यूशन है जब आपका सोल्यूशन राउल्स को फॉलो कर रहा है लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं हमारे पास तो वैसे भी तो सोल्यूशन होंगे जो नॉन आइडियल होंगे जो पॉजिटिव डेविएशन रख रहे होंगे जो नेगेटिव डेविएशन रख रहे होंगे चलिए अब पॉजिटिव डेविएशन रखने का मतलब समझना पॉजिटिव डेविएशन रखने का मतलब पॉजिटिव डेविएशन अगर कोई शो कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन अगर कोई शो कर रहा है तो बेटा पी ऑब्जर्व ग्रेटर देन पॉजिटिव डेविएशन अगर कोई शो कर रहा है तो पी ऑब्जर्व ग्रेटर देन आप यू नो थल लिख देता हूं पी पीनोट एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स भी इसका मतलब प्रेशर ज्यादा होगा इसका मतलब जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनाया जा सकता है प्रेशर ज्यादा किया जा सकता है सुनिए पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ ऊपर से जाएगा सिमिलरली अगर मैं इस वाले के लिए ड्रॉ करूं तो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ इस तरीके से जाएगा सिमिलरली अगर मैं पी नॉट बी एक्स के लिए ग्राफ ड्रॉ करूं तो इस वाले का ग्राफ इस तरह मतलब हर एक लाइन से ऊपर कर दो क्योंकि पी ऑब्जर्व इज ग्रेटर चलो आओ ये है पॉजिटिव डेविएशन कंफ्यूज मत होना कंफ्यूज मत होना मैं फिर से आपको यहां पे बताता हूं ये हमारा आइडियल बिहेवियर वाला लाइन था मुझे पॉजिटिव डेविएशन बनाना है तो हर लाइन को मैं क्या करूंगा ऊपर से पास कर जाऊंगा तो पहला ग्राफ ये हो गया टोटल प्रेशर का ग्राफ है P PA PB. अगर PA का ग्राफ बनाऊं तो ऑब्वियसली उसके ऊपर से जा रहा है अगर मैं पीबी का ग्राफ बनाऊं तो ऑब्वियसली उसके ऊपर से जा रहा है सो ये है बेटा पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ एक्चुअली में पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ दो हजार उन्नीस में और नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ 2020 में क्वेश्चन पेपर खोल के देख लेना अब ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ ऊपर ऊपर से निकला है पता है क्यों पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ ऊपर से इसलिए निकला है कि पी ऑब्जर्वड इज ग्रेटर देन पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी क्योंकि ये बड़ा है इसलिए ऊपर से निकला है। और अगर नेगेटिव डेविएशन की बात करूं तो छोटा होता है इसका मतलब वो नीचे से जाएगा अरे बात समझ में आई क्या यस तो बेटा जो नेगेटिव डेविएशन है तो आप फील कर सकते हो नेगेटिव डेविएशन में ये जो लाइन है वो नीचे से जाएगा पिनोट ए के लिए बेटा नीचे से जा रहा है पी नोट B के लिए और नीचे से जा रहा है। अरे, क्लियर है क्या यू कैन गेट इट नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया अब प्रीवियस विच ऑफ विल फॉर्म सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन अच्छा कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो कि

बी में देखोगे तो बेटा यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के पूरे पूरे आपको नजर आ रहा होगा और आम सबके सामने यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है सो so आप देख रहे हैं कि अगर खुद में ही बॉन्ड बनाए तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है ऑप्शन बी इज करेक्ट आपके पास सिंगल चॉइस आता है आप तो आगे बढ़ सकते हो बोथ एन बी गलत हो सकता है हेक्सेन और और हेप्टेन अगेन मेरे प्यारे दोस्त बोथ हैविंग द सेम सेम नेचर नेचर वाले क्या बनाते हैं दोस्त आइडियल सॉल्यूशन अरे प्यारे बात समझ में आ रहा है क्या बोलो मेरे लाल गोपाल बोलो मेरे क्लास एक टीचर हुआ करते थे तो एंट्री करते ही बोलते थे ऐसे अरे मेरे लाल पीले नीले हरे तो मेरे को व्यू याद है आप लोग भी तो ऐसे ही डीपी देख रहे हो किसी का लाल है पीला है नीला है हरा है आई डोंट नो चलो ए एंड डी आर रियल बिल्कुल सही है बट हमें पूछा गया था नॉन रियल तो इसलिए हमारा आंसर बी होगा ठीक है चलिए तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि बी में हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है नेक्स्ट अब ये ग्राफ देखो ये आपका प्रीवियस ईयर है बट ये आपके प्रीवियस ईयर कहां का है जेई मेन्स का है लेकिन इतना शानदार है कि अपने सेशन से, से, से हो जाएगा और इस टाइप के क्वेश्चन भर के आने वाले हैं आप देख लीजिएगा ठीक है ना भर के आने वाले हैं क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपकी एग्जैक्ट आई क्यू चेक हो जाती है चलिए करिए एक बार पूछ रहा है एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है दो लेक्चर और बेटा यहां पे कह रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन का कौन सा ग्राफ है अब मैंने आपको आइडियल सॉल्यूशन के लिए बता रखा है कि डेल्टा वी जीरो जी जी बता रखा है ऑलरेडी तो यहां पे बेटा डेल्टा जी बोल रहा है तो डेल्टा जी चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो डेल्टा जी तो हमेशा नेगेटिव होगा तो ये यह तो ग्राफी गलत है एक्चुअली डेल्टा जी को पॉजिटिव देख रहे देखो ना ऊपर पॉजिटिव है डेल्टा जी को पॉजिटिव देते ग्राफी गलत है

एजियोट्रॉप और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की बात कर लेते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन कहने का मतलब हमारे पास सॉल्यूशन में दो दो कंपोनेंट्स होंगे ए और बी अब एजियोट्रॉप क्या होते हैं या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है सुनिएगा दीज आर बाइनरी लिक्विड मिक्सचर बाइनरी लिक्विड मिक्सचर है विच हैव सेम कंपोजिशन क्या बोल रहे हैं विच हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज सुनना मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि जिसका लिक्विड का कंपोजिशन का मतलब हमेशा से मोल फ्रैक्शन हुआ है तो अगर ए है तो इसका कोई मोल फ्रैक्शन होगा सिमिलरली बी है तो इसका कोई मोल फ्रैक्शन होगा ये कौन सा ए और एक्सबी क्या होते लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन है यह एक्से और एक्सबी क्या होते हैं बेटा लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन है यह लिक्विड क्या, क्या वेपर में कन्वर्ट हो रहा है ये yes. तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों सुनिएगा यहां पे ये क्या है बेटा वाई ए और क्या है बेटा वाई बी ये क्या है वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन ये वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन है ये हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर देख रखा है ठीक है अगर मेरा लिक्विड फेज का जो मोल फ्रैक्शन है और अगर मेरा जो वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन है अगर बराबर आ जाए तो इसी को मैं बोलता हूं इज मतलब लिक्विड में अगर ए और बी जितना है वो सारा का सारा वेपर में कन्वर्ट हो जाए तभी तो ये मोल फ्रैक्शन बराबर हो सकते हैं बेटा जितना ए लिक्विड में है उतना ही ए वेपर में हो जितना ए जितना बी लिक्विड में हो उतना ही बी वेपर में हो तभी तो मोल फ्रैक्शन दोनों इक्वल हो सकते हैं समझ रहे हो बात को जितना ए लिक्विड में बचा हो उतना ही ए ऊपर आ गया हो जितना बी लिक्विड में बचा हो उतना ही बी ऊपर मतलब एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए एंड एक्स बी इज इक्वल टू वाई बी अगर हो तो वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है

ठीक है ना यस आप लिख सकते हो इसको बिल्कुल डिवाइड कर दो देख लो लोसर चलिए लिक्विड फेज का जो कंपोजिशन है वही वेपर फेज का अगर कंपोजिशन हो जाए तो फिर आपका क्या हो जाएगा एप कहलाता है अब ये तो डेफिनेशन नहीं पूछेगा पूछता है इसका ग्राफ सुनिएगा ग्राफ इसका कैसे होता है पहले कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं फिर ग्राफ पहले कुछ प्रॉपर्टीज एजियोट्रॉप का क्या होता है तो ये एजियोट्रॉप की अभी भी मैंने बताया कि लिक्विड का कंपोजिशन और वेपर का कंपोजिशन क्या हो जाते हैं बेटा बराबर आप सुनिएगा अगर लिक्विड का कंपोजिशन और वेपर का कंपोजिशन बराबर होगा इसका मतलब होता है कि इसको हीट किया हीट करेंगे तो कुछ अमाउंट ए वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ अमाउंट बी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा बेटा दिस मिक्सचर Boil करने के बाद ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं एक बार यह बॉइलिंग रीच करके उसके बाद इसमें कोई चेंज आता ही नहीं है इसका कोई बॉलिंग पॉइंट नहीं एक बार बोलिंग हो गया फिर वो और लिक्विड फेज और वेपर फेज में कोई

ये जो जो हमारा हमारा है है, और इन 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 दो थे बना होगा, बट इन दोनों दोनों को को आप आप अलग नहीं कर सकते, कोई भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा लीजिए, या फिर कोई भी चीज कर लीजिए यहां से और को आप अलग नहीं कर सकते, को सकते। इसीलिए सिंगल लिक्विड की तरह करता है तो कुछ प्रॉपर्टीज बता बॉइलिंग टेम्परेचर कॉन्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल होते रहता है जिसकी वजह से इसको बॉइलिंग बोला जाता है और फिर प्यारे दोस्त ए और बी दो कॉम्पोनेट इनको अलग नहीं किया जा सकता ए और बी जो दो कॉम्पोनेट इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता ठीक है यस नेक्स्ट आते हैं अब दो तरह के आपके पास मिक्सचर होते हैं एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा होता है बेटा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा होता है बेटा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एज्यूट्रॉप का मतलब होता है वो वाले सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करें उनसे बनता है मैक्सिमम बॉइलिंग और वो वाले सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करें उनसे बनता है अपना मिनिमम बॉइलिंग एज्यूट्रॉप ठीक है अब इसके एक्चुअली क्या लॉजिक है वो मैं आपको समझाता हूं इसका लॉजिक क्या है सबसे पहले अपन ग्राफ से समझते हैं ठीक है ना मैक्सिमम बॉइलिंग एज्यूट्रॉप की बात कर लेते हैं मैक्सिमम बॉलिंग एजी ट्रॉप का ग्राफ मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं फिर आपको ले चलूंगा स्लाइड पे बेटा जो आइडियल बिहेवियर है वो यही तो है आइडियल बिहेवियर है वो यही तो है यहां पे पी नॉट ए और पी नॉट बी कर देते हैं आइडियल बिहेवियर यही तो है लेकिन अच्छा ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ होता है एक्सपेरिमेंटल ग्राफ होता है अगर मेरे पास अगर मेरे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आ रहा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आ रहा है तो वो क्या होता है वो इस तरीके का एक ग्राफ बनाता है सुनिएगा ये ग्राफ कैसे बना डोंट गो इन टू सिलेबस में नहीं है और ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ होता है और ये इस तरीके का ग्राफ आता है और ये जो जहां मिलता है यही होता है बेटा एजियोट्रॉपिक पॉइंट ये जो जहां मिलता है ये होता है एजियोट्रॉपिक पॉइंट क्या बोलते हैं इसको एजियोट्रॉपिक पॉइंट और एजियोट्रॉपिक पॉइंट के कोरोस्पॉडिंग यहां पर आपको एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन मिल जाता है एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन का मतलब एजियोट्रॉप में एक्स ए है कितना वाई है कितना एक्स बी है कितना वाई बी है ठीक है, yes. तो maximum कुछ इस तरीके से दिखा देखो मैक्सिमम बोलिंग एजियो ये आपका क्या होगा कर... ये जो डॉटेड लाइन है वो आइडियल एक्सपेरिमेंटल फूल टाइप ठीक है, 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 है? अनुष्का बेटा थर्टी फर्स्ट से कल एक वीडियो मैंने बना दिया था आप उसको चेक कर लीजिए थर्टी फर्स्ट से स्टार्ट हो, हो जाएगा वो ठीक है यहां पे आइए ये यहां से जो इसको एजियोट्रॉपिक पॉइंट बोलते हैं और इसको बोला जाता है बेटा एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन ठीक है नीचे होता है वेपर और ऊपर होता है लिक्विड नीचे होता है वेपर ऊपर होता है लिक्विड ठीक है अब कैसे आप देखोगे सुनिएगा ये तो हो गया बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप अब सुनिएगा द वेपर प्रेशर एट एजियोट्रॉपिक पॉइंट इज लेस देन पी नॉट ए एंड पी नॉट बी सुनिएगा इस वेपर प्रेशर ऑब्वियसली ये पी नॉट ए से भी कम है और पी नॉट बी से भी कम है

तो जिसका प्रेशर कम है उसको बॉलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और जिसका प्रेशर ज्यादा है उसका बॉलिंग पॉइंट कम होगा देख लो जिसका प्रेशर कम है उसका बॉलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जिसका प्रेशर ज्यादा उसका बॉलिंग देख सकते हो ये वाला जो पॉइंट है नाउ इट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एजियोट्रॉपिक पॉइंट ठीक है नेक्स्ट मैक्सिमम बॉलिंग पॉइंट हो गया अब आते हैं बेटा मिनिमम बॉलिंग पॉइंट नाउ इट इज डिफरेंट मिनिमम बॉलिंग पॉइंट मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का वेपर प्रेशर का कर्व देखिए ये अपना आइडियल बिहेवियर है एक्सपेरिमेंटल कर्व है बस दिमाग में रखना है ठीक है यहां पे इसका जो प्रेशर है इसका जो प्रेशर है ये पी नॉट ए से और पी नॉट बी से बड़ा है अगर वेपर प्रेशर बड़ा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इसीलिए इसको बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ठीक है और ये वेपर प्रेशर कर्व है सामने बेटा टेंपरेचर बॉइलिंग पॉइंट कर्व है ठीक ना तो अगर वेपर प्रेशर कम है तो देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ और वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है तो देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ यू यू कैन कैन रिलेट रिलेट इट इट नाउ ठीक है चलिए तो यहां पे आ गया बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग बॉइलिंग मिनिमम ड्रॉप तो ये आपके पास आज का था इसके बाद क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर अच्छा एक अनाउंसमेंट है आपको लेके अनाउंसमेंट वो ये है कि आप क्या कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं बेटा थर्टी से फर्स्ट से सॉरी थर्टी फर्स्ट मार्च से इकतीस मार्च से हमारा एक क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है क्या लॉन्च हो रहा है बेटा क्रैश कोर्स इकतीस मार्च से क्या लॉन्च हो रहा है जो कि सेवेंटी फाइव डेज है जो कि सेवेंटी फाइव डेज का क्रैश कोर्स है इस पूरे सेवेंटी फाइव डेज की प्लानिंग हम आपको हम आपको प्रायर दे देंगे प्रायर कोर्स स्टार्ट होने से पहले आपको मैं कोर्स की प्लानिंग दे दूंगा ठीक है और कोर्स की प्लानिंग के साथ साथ डे वन पे ये करना है डे टू पे ये करना है डे थ्री पे ये करना है रोज का डेली टारगेट आपको यहां पे मिल जाएगा उस हिसाब से क्योंकि आपको बता दिया जाएगा डे वन पे ये होगा डे टू पे ये होगा डे थ्री पे ये होगा डे फोर पे होगा डे फाइव पे होगा तो आपको रोज का एक डेली टारगेट आपको पता लगता रहेगा ठीक है और रोज दिन वो आपको कंप्लीट करना है ठीक है और कंप्लीट करने के बाद आपको मेरे मैं आपको एक एक्सेल शीट प्रोवाइड करूंगा ठीक है उस एक्सेल शीट में आपको क्या करना है टिक करना है कि यस हुआ या नहीं हुआ ठीक है और अगर नहीं हुआ तो फिर आपको पेरेंट्स को कॉल कर दिया जाएगा हम तो ऐसे ही पढ़ाते बेटा के लेके ठीक है ना हम तो जबरदस्ती करके पढ़वा देते हैं ठीक है दोस्त हमारा तो यही सीन है कोटा में भी थे तब भी ऐसे ही चलाते थे अब भी है तो अब भी ऐसे ही चलाते हैं ठीक है तो अगर आपने वो चीज नहीं की डे वन वाली तो फिर आप फंस जाओगे डे टू वाली नहीं की तो फिर फंस जाओगे डे थ्री वाली नहीं की तो फिर फंस जाओगे ठीक है तो आपको पचहत्तर दिन सीरियस तो देना पड़ेगा

जैसे ही आपके पास दो चैप्टर कंप्लीट हुए या फिर तीन चैप्टर कंप्लीट हुए जैसे ही तीन चैप्टर आपके यहां पे कंप्लीट होंगे पर थ्री चैप्टर देर अ टेस्ट पर थ्री चैप्टर विल बी अ टेस्ट टेस्ट और ये टेस्ट जो है वो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के नाम से मैं आपको यहां पर देने वाला हूं और इसमें आप ही नहीं आपके जैसे बहुत सारे कोटा के को भी बच्चे होंगे आपको मैं कोटा के भी बच्चों को यहां पर देखता हूं अभी भी देखता हूं ठीक है ना इनफैक्ट आई एम नॉट इन यू नो कोई कोचिंग से अभी जुड़ा हुआ नहीं हूं स्टिल यहां पे आप आएंगे तो आपको दिखेगा यहां पे और भी अदर वेज चलते हैं तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज से बेटा आप यहां से भी आप कमा सकते हैं मतलब अपने आपको वो कर सकते हैं राइट एंड दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट राइट दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीबॉडी दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीबॉडी ठीक है तो टेस्ट की प्लान तो मैं सबको दे दूंगा तो अगर आप टेस्ट की प्लानिंग के हिसाब से भी करते हैं टेस्ट की प्लानिंग से भी हिसाब से करते हैं कि डेट इस दिन टेस्ट है तो उससे पहले सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए तो आप बहुत अच्छे कर सकते हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है आप तो मेरे से ज्यादा ये सब जानते हैं ठीक है और लेते वक्त ये ध्यान रखिए कि आपको बाहुबली कोड लगाना है लेते वक्त ध्यान रखें कि बाहुबली कोड लगाना है और बाहुबली कोड लगाओगे आई विल गेट अट्रॉगर और मेरा आप मैं मेंटोरशिप एक तरह से आपका कर दूंगा एक तरह से गाइडेंस कर दूंगा एक तरह से आपको बता दूंगा कि हाउ टू स्टडी हाउ शैल बी स्टडी और जितने प्रीवियस हमने रैंक्स दिए हैं उस तरह से आप भी हमारे एक एक एक, एक लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं अपना रैंक देके ठीक है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि, कि आपकी रैंक आए चलिए थैंक यू सो मच और हाँ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस दिन का मुहूर्त का इंतजार कर रो फटाफट से सब्सक्राइब करके जाना और हाँ इस वीडियो को लाइक और हाँ शेयर जरूर करना थैंक यू सो मच कल क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी और उसके बाद हेनरीज लॉ तो टू मोर इंपॉर्टेंट इसमें बचे हुए हैं क्वालिगेटिव और हेनरी ठीक है चलिए मिलते हैं थैंक यू सो मच टेक केयर बाय